हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पिछले वीडियो में हम ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और टॉप टू बॉटम जब हम किसी ग्रुप में मूव करते हैं तो क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं इन सारी प्रॉपर्टीज में, ये हम डिस्कस कर चुके थे। नाउ आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं किसी पीरियड में, ना किसी पीरियड में अक्रॉस द पीरियड जब हम मूव करते हैं तो व्हाट आर द चेंजेस गोइंग टू टेक्स प्लेस इन दीज प्रॉपर्टीज। सो हियर व्हेन वी मूविंग इन लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड देन व्हाट आर द चेंजेस गोइंग टू टेक्स प्लेस। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन जो हमारा सबसे वेल नोन पीरियड है दैट इज थर्ड पीरियड, इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिखती हूँ। थर्ड पीरियड सोडियम वाला पीरियड, क्लियर? इट इज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन। ठीक है, ये हमारा एक वेल नोन पीरियड है जिसे हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इन एलिमेंट्स के बारे में हमने लर्न भी किया हुआ है क्योंकि ये एलिमेंट्स 1 to 20 में ही आ जाते हैं। फिर एटॉमिक नंबर की यदि हम बात करें तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. These are the atomic numbers of these elements. Now electronic configuration 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 and 288. Clear? ये हो गया हमारे पास number of electrons. नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नंबर ऑफ शेल्स। व्हेन वी आर मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप देन नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। ठीक है, लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, मीन्स लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में मूव करेंगे तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स में क्या कोई इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 1, 2, 3 शेल, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, सब जगह क्या मिल रहे हैं हमें, 3 शेल्स मिल रहे हैं। इट मीन्स ना तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं ना डिक्रीज हो रहे हैं। क्या है, द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन द सेम व्हेन वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स क्या है, सेम है। नाउ सेकेंड वन इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो क्या हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में मूव की बात करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू इंक्रीज। सो हियर इट इंक्रीजेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलेंसी की। ठीक है, हम जब ग्रुप में मूव कर रहे थे टॉप टू बॉटम तो वैलेंसी सेम थी कि सबकी वैलेंसी कितनी आ रही थी, 1। हमने फर्स्ट ग्रुप की बात की थी तो वहां पे 1 वैलेंसी हमें देखने को मिल रही थी। सेकंड ग्रुप पे यदि हम आते तो 2 वैलेंसी हमें देखने को मिलती। तो इस तरीके से इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी क्या थी, एक जैसी। लेकिन यहाँ पे यदि हम वैलेंसी की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स इट हैज द टेंडेंसी टू लूज द 1 इलेक्ट्रॉन। ये इसके लिए ज्यादा इजी है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1। यहाँ पे 2 है, 2, 3, 4। लेकिन जब 5 आ जाएगा तो इस केस में आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना इज मोर इजी। सो हियर द वैलेंसी इज 3, 2, 1 एंड 0। इट मीन्स आप क्या देख रहे हैं, पहले वैलेंसी इंक्रीज हो रही है और फिर डिक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट इट इंक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। ठीक है, पहले इंक्रीज हो रही है 1, 2, 3, 4 और देन उसके बाद में क्या हो रही है, फिर से डिक्रीज हो रही है वैलेंसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटॉमिक रेडियस की हम बात करते हैं। मैं कुछ 2-3 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। सोडियम न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1।
मैग्नीशियम 1, 2 and 3 शेल, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 2. नाउ हियर इज एल्यूमिनियम 1, 2 and 3, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 3. हियर सिलिकॉन 1, 2 and 3, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, है ना. सो ऑन, आगे हम जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, शेल्स उतने ही रहने वाले हैं. एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है. जब हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने के साथ साथ उसकी रेडियस भी क्या होती है, इंक्रीज. लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है. कैसे डिक्रीज होती है इसको हम देखेंगे, इट डिक्रीजेस, ठीक है. कैसे डिक्रीज होगी, ये हमारे पास सोडियम का एटम है, ठीक है. इसके पास सेंटर पे प्रोटॉन कितने हैं 11 और बाहर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं 11. मैग्नीशियम के पास सेंटर पे प्रोटॉन है 12, ठीक है. एल्यूमिनियम के पास सेंटर में प्रोटॉन है 13, सिलिकॉन के पास सेंटर में प्रोटॉन है 14, ठीक है. नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कुछ भी बात करें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. और जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, ये 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड किए हुए है, ठीक है. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएगा इनकी बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है. तो ये बहुत ज्यादा फोर्स से, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज होगा, सपोज मैं क्लोरीन की बात कर रही हूँ, तो क्लोरीन क्या है हमारे पास 1, 2, 3 आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन में, ठीक है. तो जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ज्यादा मोर एफिशिएंटली उन इलेक्ट्रॉन्स को ये बाइंड करके रख सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे आपको पता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली लूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके आसानी से रखते हैं, ठीक है. तो जब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करते हैं तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसका साइज क्या हो जाता है, छोटा, ठीक है. ये साइज क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि ये एकदम बहुत टाइटली इससे बाइंड है, टाइटली से बाइंड है, तो आउटर मोस्ट शेल क्या होगा, न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा, मतलब इससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा. और ये इन इलेक्ट्रॉन्स को या इस ऑर्बिट को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है. तो इससे इस शेल का साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज. जब शेल का साइज डिक्रीज हो जाएगा तो यहां से इसकी रेडियस क्या होगी, ऑब्वियस अपने आप डिक्रीज होगी, ठीक है. नंबर ऑफ शेल्स कम नहीं होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स उतना ही है, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा प्रोटॉन्स, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को मोर एफिशिएंटली बाइंड करके रखते हैं, इससे इसका जो शेल का साइज है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. शेल खत्म नहीं होगा, शेल का साइज डिक्रीज हो जाएगा. तो उस वजह से जब शेल का साइज डिक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है. तो यहां पे एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज, व्हेन वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है. तो अक्रॉस द पीरियड मूव करने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, और डाउन टू द ग्रुप मूव करने पे एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, दैट इज मेटलिक कैरेक्टर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है. तो हम जानते हैं पीरियड टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट में जो एलिमेंट्स हैं दे आर द वेरी गुड मेटल्स, और जो एक्सट्रीम राइट में एलिमेंट्स हैं दे आर द वेरी गुड नॉन मेटल्स, ठीक है. तो मेटलिक कैरेक्टर जब टॉप टू बॉटम मूव करने पे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी, ठीक है. जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी जो होती है वो डिक्रीज होती है. क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है, ठीक है. यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या था, सेम था, वन इलेक्ट्रॉन इज देयर, और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे थे वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से एनर्जी जो है वो क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, और मेटलिक कैरेक्टर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था. यहां पर क्या होगा, इसके ऑपोजिट, ठीक है. तो मेटलिक कैरेक्टर जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है. और जब मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है तो ऑब्वियस है नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा. इसीलिए आप देखते हो
जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास बढ़ना शुरू हो जाती है ना। लेफ्ट टू राइट मीन्स हम राइट में जा रहे हैं और राइट में कौन है हमारे पास, नॉन मेटल्स है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो वहां पे इंक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी, ठीक है। जैसे जैसे हम यहाँ मूव कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम मूव करेंगे, हम क्लोरीन तक जब पहुंचते हैं ना, हेलोजन्स तक, यहाँ पे हमें ऑर्गन से कोई मतलब नहीं क्योंकि नोबल गैसेस जो है उनका तो आउटर मोशन कंप्लीट है, ठीक है, तो उनके लिए तो ग्रुप ही अलग है, दैट इज द जीरो ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे जो 17th ग्रुप है जिसमें हम हेलोजेंस को रखते हैं, हेलोजेंस के आउटर मोस्ट शेल में कौन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इट मींस वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी वो एक्सेप्ट करते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, बहुत अच्छे नॉन मेटल्स होते हैं। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा व्हेन वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, और जब हम यहाँ पे मेटलिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी। तो ऑब्वियस है नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी क्या है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर मींस द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को ही तो हम नॉन मेटलिक कैरेक्टर कहते हैं। और अच्छा, पहले आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की हम बात कर लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो सोडियम की यदि हम बात करें तो सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं, मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लूज करने के लिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए। क्लोरीन यदि हम एल्यूमिनियम पे आएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, लूज करने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आगे, तो फिर और क्या चाहिए हमें, एनर्जी ज्यादा। इसका मतलब क्या है, हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। फिर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रही थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी जो है, ठीक है, दैट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी जो है इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत भी बढ़ जाती है ना। आप यहां तक आते हो 7 तक, तो हमें देखते हैं कि क्लोरीन क्या चाहता है, वो अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना नहीं चाहता है, वो क्या चाहता है कि उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है कहीं से भी उसे मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करना चाहेगा। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते चले जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, एक जैसा ही है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज होगा। इसीलिए जो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ना, 18th तो जीरो ग्रुप है, 17th ग्रुप के एलिमेंट्स दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, जिनको हम हेलोजेंस कहते हैं, ये हेलोजेंस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसके नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की, ठीक है। रिएक्टिविटी क्या होता है, रिएक्टिविटी धीरे धीरे जब हम मूव करते हैं, यहां पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में नहीं करेंगे, यहां पे हम लेफ्ट टू राइट जब मूव कर रहे हैं तो रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, ठीक है। यहां पे क्या होगा, सबसे पहले धीरे 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 रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पहले हमारे पास जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, और उसके बाद क्या होती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो जब टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो पहले रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी और उसके बाद इंक्रीज। तो फर्स्ट इट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेस, क्लियर। तो ये हमारे पास कुछ
इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जिन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया, ये ट्रेंड हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में फॉलो किया गया है और इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए ही पूरी मॉडर्न पीरियडिक टेबल डिजाइन की गई है, जिसमें एटॉमिक नंबर को बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है और सेम प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने एक सेम ग्रुप में रखा हुआ है। ठीक है, 18 ग्रुप के अंदर हमने इनको डिवाइड किया है। थोड़ा सा हम 18th ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 18th ग्रुप में जो है, दे आर द नोबल गैसेस और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनर्ट गैसेस ना। इस ग्रुप को हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी वैलेंसी जीरो होती है। वैलेंसी जीरो क्यों है? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फुलफिल है। ठीक है, एक दो का हम कॉन्फिगरेशन देख लेते हैं। हमारे पास जो इनर्ट गैसेस हैं उनमें कौन कौन आती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। दीज आर द इनर्ट गैसेस। ठीक है, इसमें से हीलियम एटॉमिक नंबर 2 फर्स्ट शेल ही होता है, फर्स्ट शेल कंप्लीट है। ठीक है, वैलेंसी 0। नियॉन एटॉमिक नंबर 10, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दोनों शेल कंप्लीट, वैलेंसी 0। ऑर्गन की यदि हम बात करें तो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल एटॉमिक नंबर इज 18, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स ना, तीनों शेल कंप्लीट है। ठीक है, ऐसे ही हम और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो उनके आउटर मोस्ट शेल क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। इट मीन्स इनकी वैलेंसी क्या है? 0 है। और जब वैलेंसी 0 है तो ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस और द इनर्ट गैसेस। इसीलिए बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स स्टेबिलिटी गेन करने के लिए नोबल गैसेस जैसा कॉन्फिगरेशन चाहते हैं, इसीलिए सब अपना आउटर मोस्ट शेल, जो वैलेंस शेल है, उस आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना चाहते हैं, ताकि वो भी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, कहीं यहां वहां भटकना नहीं पड़े। तो कहीं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कहीं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेशन और एक्सेप्शन से अपना आउटर मोस्ट शेल ये कंप्लीट करना चाहते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल, और इसी के साथ हमारा एक चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, होपफुली काफी अच्छे से आप लोगों को पूरा पीरियडिक क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। फिर से आप एक बार सारे वीडियोस देख लेंगे, जिसमें डॉबर्नियर ट्रायड्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, मेंडली पीरियडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियडिक टेबल, और ये ट्रेंड ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। क्लियर? तो ध्यान से आप सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि ये जो चीज है, हमने जो लास्ट 2 वीडियोस में देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें इस टॉपिक में से देखने को मिलता है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।